मित्रों, मैं संजीव कुमार जायसवाल आज आपको पढ़ाएंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? संख्याओं तथा अचर संख्याओं का ऐसा संग्रह जो मूल संक्रियाओं के चिन्हों प्लस माइनस इंटू और डिवीजन के संयोजन से बनता है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक क्या है? संख्याओं तथा अचर संख्याओं का ऐसा संग्रह जो संक्रियाओं के चिन्हों को प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और गुणा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, भाग के संयोजन से बनता है वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। जैसे उदाहरण में 3x कॉमा 2a/5 कॉमा x माइनस y कॉमा p-q+3 आदि। आप देखिए बीजीय व्यंजक के प्रकार, बीजीय व्यंजक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है कितना, एक पदी। दूसरा क्या है, दो पदी। और तीसरा क्या है, त्रिपदी। व्यंजक के प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं ना, कितने प्रकार के, तीन प्रकार ना। पहला क्या है, एक पदी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोनोमल। क्या बोलते हैं, मोनोमल। मतलब एक पदी मतलब जिसमें कितने पद हो, एक पद हो। मतलब वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होते हैं वह कौन सा व्यंजक कहलाते हैं, एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 25 कामा 3y कामा 5n कामा xyz आदि। उसके बाद दो पदी, दो पदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। मतलब द्विपदी मतलब जिसमें कितने पद हो, दो पद हो। मतलब वह व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं वो कै पदी कहलाता है, द्विपदी व्यंजक कहलाता है। ठीक। उसके बाद जैसे y माइनस 3x कामा 2-z कामा 21+2m आदि। ठीक। जिसमें कितने पद हो, दो पद। देखिए एक पद ये है, एक पद कितने पद हो।